हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम फिर से उपस्थित हैं नए जोश और नए उमंग के साथ। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो मेधा सूची यानी कटअप पे की, जो अभी जो सातवां चरण शिक्षक बहाली की जो विज्ञप्ति जो आने वाली है जुलाई के लास्ट में, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके माइंड में अभी से ही चल रहा है कटअप कितना जाएगा, मतलब बहाली होगा कि नहीं, पिछले बार तो हाई चला गया था। ऐसे ऐसे मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, प्रश्न हैं, जिसके कारण अपनी दुविधा को उन्होंने कमेंट के माध्यम से मुझे बताया और मुझे ऐसा लगा कि इस पे एक वीडियो आना चाहिए और आपके लिए बनाना चाहिए, जिससे कि आपको सुलभ हो जाए समझने में। ये मेरा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मेधा सूची बनाया हुआ है, लेकिन कम से कम 10,000 बच्चों पर रिसर्च करके आपको हम ये मेधा सूची निकाले हैं और मेधा सूची यानी कटअप निकाले हैं। और दूसरी बात, ये जो कटअप इतना हम जो लाए हैं, एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, कम से कम अगर सीट अगर इतना होता है, सीट की संख्या अगर मान लीजिए बहाली में 90,000 आता है, मान लीजिए 90,000 शिक्षक का अगर सीट आता है बहाली के लिए, जैसे जैसे मान लीजिए सीटों की संख्या बढ़ेगा तो नेचुरल सा बात है भाई कि उसका कटअप घटेगा, और सीट का संख्या जैसे ही कम होगा तो उसका कटअप हाई चला जाएगा। तो 90,000 सीट के लिए ले गए कि मान लीजिए कि सातवां चरण शिक्षक बहाली में सीटों की संख्या अगर इतना आती है या इससे ऊपर आता है तो कटअप इतना जाएगा, ठीक है। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं तब जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार आपको रिकॉलिंग कर दे दिमाग में, अभी जो हम कटअप बताएंगे ये 1-5 के लिए है, ये मेल के लिए है 1-5 और ये फीमेल के लिए है। और कटअप बनता कैसे, कटअप निकालते कैसे है, 1-5 के लिए अगर निकालना हो कटअप 1-5 के शिक्षक के लिए, तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ट्रेनिंग, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ट्रेनिंग को जोड़ के भागा 3। मान लीजिए आपका मैट्रिक में जो भी परसेंटेज हो वो, प्लस इंटर में जो परसेंटेज हो वो, और साथ में जो प्रशिक्षण किए होंगे बीएड या डीएलएड, तीनों को जोड़ के भागा 3 कर दीजिएगा। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल में आ गया, तीनों को जोड़ के भागा 3 कहते हैं, तो मान लीजिए 70% आपका आया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1-5 में मेधा अंक हो गया, कि आपका जो मेधा सूची बनेगा यानी कि आपका जो अपना मेधा अंक हुआ 70% हुआ। लेकिन ये जो नियम था, यह नियमावली 2020 जो छठा चरण हुआ है, नियमावली 2020 पे हुआ है। अगर मान लीजिए अगर सीटेट या बीटेट का जुटता है मार्क्स अगर जुटता है, तो जो आपका मेधा बना वो आप प्लस अपना जो वेटेज मिलेगा, अगर सीटेट का वेटेज मिलेगा तो उतना जोड़ दीजिएगा, नहीं मिलेगा तब आपका यही मेधा अंक हो गया। तो मेधा अंक कैसे निकालते हैं अपना खुद का, ये आप समझ गए होंगे, स्क्रीन पर देखिए यहाँ आ गया, ठीक है यही आपका मेधा अंक हो गया। तो क्या हो गया, 1-5 के लिए मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ट्रेनिंग का परसेंटेज तीनों को जोड़ के भागा 3 कर दीजिएगा, यही आपका मेधा खुद का अंक हो जाएगा, ठीक है, आप नोट कर लिए। चलिए वैसे आप चलते हैं पॉइंट पे, मेल के लिए, मेल जो है 1-5 के लिए, इसमें जो जनरल कैटेगरी है यानी अनरिजर्व्ड है, उसका मिनिमम जो सबसे कम 65 जाएगा, अधिक से अधिक 70 से ऊपर जितना जाए, लेकिन मिनिमम 65, अगर मिनिमम 65 बनता है आपका, और ऊपर जितना बने वो आपके प्रॉफिट के लिए है, लेकिन अगर कम 65 तक है तो आपका एलिजिबल है जनरल कैटेगरी में। उसी प्रकार EWS वाले हैं तो उसका मिनिमम यानी कम से कम 63 और अधिक से अधिक, अधिक कितना भी चला जाए लेकिन हम 68 लेके चले हैं, लेकिन मिनिमम 63 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 63 बनता है आपका ये तीनों जोड़ने के बाद भागा 3 1-5 के लिए, तो आप एलिजिबल है। BC के लिए उसी प्रकार 62 से 66, EBC के लिए 60 से 65, अधिकतम कितना भी हो मिनिमम 60 आना चाहिए। SC के लिए मिनिमम 55, मैक्सिमम जो यहाँ 60 लिख दिए इसके बीच में है, 55 और 60 के बीच में है, तो आप एलिजिबल है, आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। ST वालों के लिए 52 है, मिनिमम 52 मैक्सिमम 60, इन दोनों के बीच में ऊपर जितना जाए। PH यानी हैंडीकैप्ड, PH मतलब दिव्यांग, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर मान लीजिए उसका सीटों की संख्या ज़्यादा होगा तो कटअप इतना जाएगा, मिनिमम 45 मैक्सिमम जो हो लेकिन 45 और 50 के बीच में। अगर सीट की संख्या अगर दिव्यांग वालों की अधिक है तो कटअप कम रहेगा, अगर सीट की संख्या अगर कम है तब तो कटअप बढ़ेगा ही, नेचुरल सी बात है। उसी प्रकार चलते हैं फीमेल के लिए, फीमेल में क्या होगा, जनरल कैटेगरी में अगर मिनिमम 62 आ रहा है, 62 और 65 के बीच में है तो आप एलिजिबल है। EWS में अगर 60 से लेकर 62 के बीच में है तो आप एलिजिबल है।
उसी प्रकार बीसी के लिए 58 और 62 के बीच में है तो एलिजिबल है। ये फीमेल के लिए बता रहे हैं अभी हम। एससी वालों के लिए 54 से 58, एसटी वालों के लिए 50 से 55, वही पीएच यानी दिव्यांग के लिए अगर 40 से 45 आ रहा है तो आप एलिजिबल है। देखिए कितना आसान है, ये व्यक्तिगत तौर पर निकाले, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कटअप जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या अगर आती है 90,000 या उससे ऊपर तो आपका कटअप घट जाएगा। अब चलते हैं 6 to 8 वालों के लिए, ठीक है, अगले स्लाइड में। यह है 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में कैसे अपना मेधा सूची निकालिएगा आप देख लीजिए स्क्रीन पे। जो भी स्नातक ग्रेड शिक्षक जो बनेंगे 6 to 8 में जाएंगे, तो उसका मेधा सूची निकालने के लिए आपको ग्रेजुएशन जी मतलब ग्रेजुएशन का परसेंटेज प्लस ट्रेनिंग टी मतलब ट्रेनिंग दोनों को जोड़ के भागा 2 कर दीजिएगा, यही आपका मेधा सूची हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल में कैसे, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपको आया परसेंटेज 70 और ट्रेनिंग में भी आया 70 और भागा 2 कर दीजिए तो कितना हो गया, 140 भागा 2 यानी परसेंटेज बन के आ गया 70%। 70% यह आपका मेधा अंक हो गया कि आपका अपना मेधा अंक कितना 70% हो गया, ये नियमावली 2020 के आधार पे, ठीक है। उसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा जो भी है, और सीटेट और बीटेट, सीटेट या बीटेट का जो वेटेज मिलता है उसको अलग से जोड़ना है। इस बार आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन छठा चरण में था तो इसमें प्लस कर दीजिएगा, जितना 2, 4, 6, 8 जो भी मिलेगा प्लस कर दीजिएगा, लेकिन ओरिजिनल मेधा अंक यही हुआ। अब चलते हैं मेल पे 6 to 8 में लिए, 6 to 8 के लिए। जनरल कैटेगरी है तो उसका मिनिमम यानी 66 और 70 के बीच में अगर आ रहा है तो वो क्वालिफाइड है, टीचर बन जाएंगे तब। EWS में 64 मिनिमम होना चाहिए यानी 64 और 68 के बीच में, मैक्सिमम जो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम इतना आना चाहिए 64। BC वालों के लिए अगर इतना 63 से 66 तो एलिजिबल है, क्वालिफाइड है। EBC वाले 60 और 65 के बीच में रहेंगे, SC वाला 57 से 62, ST वाला 55 से 60 और PH यानी हैंडीकैप्ट ये तो सीटों पर डिपेंड करेगा 52 से 56। अब चलते हैं महिला के लिए। महिला 6 to 8 में क्या रहेगा, जनरल के लिए मिनिमम 62 मैक्सिमम जितना जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर है तो अच्छा है, क्वालिफाइड है आप। EWS के लिए 60 से 64 रहेगा, BC के लिए 60 से 62 और EBC के लिए 56 से 60, SC के लिए 54 से 58 और ST के लिए 50 मिनिमम होना चाहिए और 55 मैक्सिमम और PH यानी हैंडीकैप्ट के लिए जो है 40 से 50, सीटों पर निर्भर करता है। तो आज हम यही बताना चाह रहे थे कि कटअप मेधा सूची जो बनेगा, यानी क्या लिखे 7वां चरण शिक्षक नियुक्ति हेतु संभावित मेधा सूची, ये कटअप है आपका, संभावित कटअप है जो 7वां चरण शिक्षक बहाली जो आने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट में, तो उसका अनुमानित अभी हम बता दिए हैं। और जैसे ही जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस समय भी हम कटअप का एक वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के फरमाइश पर हम ला दिए कटअप का वीडियो, ठीक है। वीडियो पसंद इसी तरह करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।